हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर में। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक अमेजिंग कंटेंट लेके आया हूँ, जो कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हंटर की जेन्युइन मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर में हमने एग्जॉस्ट भी आपका इंस्टॉल करा हुआ है, जो कि आपका लीगल है। तो बिना देर करे चलते हैं अपनी हंटर के पास में। कंटेंट इस बार का थोड़ा लेट जरूर है, बट लेकिन आपको चीज़ मैं हमेशा जेन्युइन दिखाने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं अपनी हंटर के पास बिना देर करे, और वीडियो में बने रहना ताकि आप हंटर में लगी हुई सारी एक्सेसरीज देख सके कि उसके अंदर में क्या क्या हमने इंस्टॉल करा हुआ है। इस हंटर की मैं आपसे बात कर रहा था, आ चुके हैं हम अपनी हंटर के पास में। तो हंटर के अंदर में जो जो चीज़ें करिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, दिखाता हूँ साथ के साथ में। जैसे कि अभी सबसे पहला काम हमारे यहाँ पर हो जाता है क्रैश गार्ड का, जो कि हर गाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि कोई सी भी गाड़ी हो, सेफ्टी तो सबसे पहले चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक तो ये हंटर मार्क हुआ मिल जाएगा लेजर कटिंग के साथ में, पूरी पाउडर कोटेड की पेंट की फिनिशेज की। ये पेंट नहीं होता एक्चुअल में, पाउडर कोटेड होता, भट्टी में पका हुआ पेंट होता, तो ये आपका रस्ट फ्री रहता। फिर इसके अंदर में आपको मिल जाता है स्लाइडर, जो कि आपकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए है। और जैसा और उसी के साथ में आपका जब भी गाड़ी गिरती है तो सबसे पहला सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, और जो ड्राइवर होता है उसकी लेग्स बचाने के लिए भी ये काफ़ी काम में आता है। और दूसरी चीज़ जो हमने इसके अंदर में करी है, तो वो करा है छोटा सा बार एंड मिरर इंस्टॉल, जो कि ना ज़्यादा बड़े साइज़ का है ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ का, आपका सिमिलर स्टैंडर्ड साइज़ है। आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, 360 डिग्री की मूवेबल है, इसमें रोटेशन मिल जाती है आपको। बाकी ये फोल्डिंग मिरर है, जो कि आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो और इसको आप अपना खोल भी सकते हो। और तीसरी जो चीज़ हमने इसके अंदर में लगाई है, वो लगाई है पूरी HJD ओरिजिनल माइनस हेडलैम्प, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ये आपका हम इसको ऑन कर चुके चाबी, तो ये आपको YDRL यहाँ पर मिल जाता है। और इसी के साथ मैं आपको अभी इसे जला के भी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले करेंगे हम इसका लो बीम, तो यहाँ पर अपने लो बीम चालू हो जाता है, जो कि आपका कलर यहाँ पर अब भी DRL का वाइट ही है। बट लेकिन अब हम इसको अगर हाई बीम करते हैं, तो हाई बीम के अंदर में हमें मिल जाता है येलो कलर, और जो कि दोनों कलर आप यूज़ कर सकते हो, चाहे वाइट हो चाहे येलो हो। तो यहाँ पर अपने हाई बीम आ गई है, ये रोशनी आप देख सकते हो कितनी पावरफुल है, 120 वॉट में आती है आपकी। HJD ओरिजिनल है, पिछली वीडियोस में भी आप चेक कर सकते हो, HJD के काफ़ी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हुए हैं, काफ़ी अपनी चीज़ें शेयर करी हुई हैं। और बाकी और दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, तो कस्टम करिए यहाँ पर सीट, जो कि आपकी सॉफ्ट उतनी नहीं आती है जितनी चाहिए होती है एक कंफर्टेबल चीज़ के लिए। तो यहाँ पर हमने इसको ऐड करा हुआ है, इसके अंदर में कुशन ऐड करी हुई हैं, और बाकी ऊपर तो आपका लगाया हुआ सीट कवर, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, वाटर प्रूफ है। और तीसरी और जो हमने ऐड करा है इसमें, ये करा है आपका सम गार्ड इंटर लिखा हुआ ब्लैक कलर के अंदर, ये भी वाटर कोटेड है, पूरा हार्ड मटेरियल है आपका, पूरी सेफ्टी करता है आपकी इंजन की। नीचे से कोई पत्थर वगैरह अगर आता है आपका, तो पूरी पूरी सेफ्टी करता है आपकी। और एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो मैंने इसके अंदर में इंस्टॉल करी है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड, जो कि किसी भी हंटर में जल्दी से आपको देखने में नहीं मिलेगी, बट आपका वाई पार्टी आपको दिखाने जा रहा है। चीज़ आ जाती है अपनी ये एग्जॉस्ट, यहाँ पर एक्रापोविक का है, जो कि DB कलर वाला मॉडल है। अभी हमने फिलहाल इसका DB कलर जो है निकाला हुआ है, तो मैं आपको इसकी साउंड अभी एक बार ऐसे सुना देता हूँ, बाकी DB कलर भी एक बार आपको लगा के दिखा दूँगा कि कैसा इसका साउंड आपको DB कलर के बाद दब जाता है। दिखा चुका मैं आपको अपनी हंटर, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी है। और बाकी इस बार का कंटेंट थोड़ा सा लेट रहा था, बट लेकिन अब आपको कंटेंट मिलने वाले हैं कंटिन्यूसली इस चैनल के अंदर में। तो वीडियो मिलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट पर, जो कि बहुत ही जल्द मैं आपको अपलोड करके इस पर अपने चैनल पर दिखाने वाला हूँ। और एक बार फिर से आप सभी का थैंक यू वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हंटर कैसी लगी है, चैनल को कर लीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे कंटेंट्स और भी मिलते रहे।